कैसे लिखेंगे? ई में कुछ नहीं है, लेकिन स्टैंडिंग लाइन एंड थ्री स्लिपिंग लाइन है। तो हम यहाँ पे इनमें थ्री डॉट्स किए हैं। अभी हम करेंगे ऊपर से नीचे के डॉट तक स्टैंडिंग लाइन एंड थ्री स्लिपिंग लाइन। ई की फॉर आईज, हमारी बुक में आईज है, इसलिए मैं आपको ई फॉर आईज बता रही हूँ। ओके, अभी हम ए टू डी तक वापस करेंगे और ई भी करेंगे। ये है, ये उसी है, ई है, सी।
सीखना है लिखने के लिए। पहले भी मैं बहुत बार सिखा चुकी हूँ कैसे लिखना है, लेकिन अभी अलग अलग अल्फाबेट ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। ई फॉर आइज, सामने देखते हैं ई फॉर आइज कहाँ है। यस, ये तो फर्स्ट पहला ही है, हमें इसके साथ मैच करना है। ओके, ये वो मैचिंग सेम अल्फाबेट है, देखिए दोनों तरफ इसको मैच करना है। डस्टबिन है, क्लास में डस्टबिन भी होता है, आपको पता होगा इरेज़
सॉरी शार्प करते हैं पेंसिल तो उसका कचरा होता है, तो आप डस्टबिन में डालने जाते हो ना, या कुछ भी खाते हो, आप नाश्ता करते हो, कुछ भी कचरा कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में। यहाँ पर है जो है 11 नंबर पे पेंसिल है, 12 नंबर पे यहाँ इरेजर है, ये देखिए स्कूल बैग है, वाटर बॉटल है, ठीक है, ये जो सारे बच्चे हैं वो स्टूडेंट्स हैं। ये देखिए ये 13 नंबर पे जो पड़ा है वो रूलर बोलते हैं उसको, आप उसको स्केल से तो पट्टी जो बोलते हैं ना स्केल भी बोल सकते हैं आप उसको, स्केल या रूलर। ओके, और ये जो है जो लकड़े की वो सारी बेंचेस है, आप जिसके ऊपर बैठते हो। यहाँ पर भी देखो बुक्स पड़ी है, सब बच्चे ने बुक निकाली हुई है ना। तो ये आप पूरा आप अपने क्लास में देखते होंगे, आपको आंखें बंद करके याद करना है अपना क्लास, आपकी टीचर्स को याद करना है कि हमारे क्लास में क्या क्या है। ये सब कुछ क्लास में होगा, बेंच होगी, बोर्ड होगा, चौक होगा, डस्टर होगा, इरेजर पेंसिल आपके पास भी होगा, वो इरेजर पेंसिल स्केल सब रूलर वो सब आपके पास होगा, स्कूल बैग बैग वाटर बॉटल टिफिन बॉक्स सब कुछ आपके पास होगा। आपको याद करना है आपको बंद करके कि हमारे क्लास में क्या क्या है, चार्ट भी होते हैं हमारे क्लास में, ठीक है। तो आज तक इतना ही, आप नंबर्स और अल्फाबेट की प्रैक्टिस घर पर कर